ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो पीरियोडिक फंक्शन हैं वो क्या होते हैं। जिस तरह इसके नाम से शोर है कि पीरियड या पीरियोडिक का मतलब, इसको हम क्या कह सकते हैं, रिपीटिंग फंक्शन भी कह सकते हैं। इसको हम किस तरह डिफाइन सबसे पहले करते हैं कि हमारे पास जो अब फंक्शन, अब ये जो हमारे पास, हम अब शुरू करेंगे फोरियर सीरीज़ क्या होती है। तो उसके लिए हमें जो फोरियर सीरीज़ का केस होता है उसमें जो हमारे पास होते हैं पीरियोडिक फंक्शन, वो हम देखेंगे कौन से हैं। अब हम देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन कौन से होते हैं और हम उन फंक्शन को भी देखेंगे जो कभी पीरियोडिक हमारे पास नहीं होते हैं। तो एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास जो है फंक्शन है इस कॉल्ड पीरियोडिक, इसको हम क्या पीरियोडिक कब बोलेंगे, जब हमारे पास अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन इफ जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इज डिफाइंड फॉर ऑल। अब एफ ऑफ एक्स है तो किस पे डिफाइंड होगा, तमाम एक्स की वैल्यू पे एक्सेप्ट पॉसिबली। अब इसमें एक और चीज़ हमें पता चली कि जो फंक्शन है, अच्छा इसको डेफिनेशन को देखते हैं, एट सम पॉइंट्स के हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो एक्स वैल्यू पे डिफाइन है। अब जिस तरह मेरे पास, मैं टेन को लेता हूँ और साइन एक्स को ले लेता हूँ, अब या तो फंक्शन हमारे पास तमाम वैल्यू पे डिफाइन हो सकता है या तो कुछ ऐसी वैल्यू भी होती हैं जिन पे डिफाइन नहीं होता। जिस तरह टेन है ये 90 एंगल पे डिफाइन नहीं होता, साइन है हर एक पे डिफाइन हो जाता है। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि जो फंक्शन कुछ पॉइंट पे अनडिफाइन है तो वो पीरियोडिक नहीं हो सकता। टेन है पीरियोडिक, साइन भी हमारे पास क्या है, पीरियोडिक है। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक, अच्छा कुछ पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं भी हो सकता और तमाम पॉइंट पे डिफाइन हो भी सकता है। एंड इफ, अब पीरियडिक कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, पी कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, किस तरह का होगा उसको हम देखते हैं कि देन हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जो पी है वो किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। और इसमें जो पी है मेरे पास ये क्या होगा, इज पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। ओके, अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मेरे पास कौन कौन से जो फंक्शन है वो पीरियोडिक हैं कौन कौन से नहीं है। पहली कैटेगरी मेरे पास क्या होगी कि उन एग्जांपल को देखेंगे जो हमारे पास पीरियोडिक हो सकती हैं। कौन सी हो सकती है हमारे पास, मैं अगर लिखता हूँ साइन एक्स है, इनके ग्राफ बना के हम देखेंगे, कोज एक्स है और टेन एक्स है, इनके जो इन्वर्स है हमारे पास, साइन का क्या होता है कोस सीकेंट एक्स होता है और सीकेंट एक्स हो गया हमारे पास, या सीकेंट थीटा ले लें इसको, और टेन का क्या होता है हमारे पास कोट ऑफ एक्स ले लें। ये तमाम के तमाम जो फंक्शन हमारे पास हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिक। अब उन फंक्शन को देखते हैं जो हमारे पास पीरियोडिक नहीं होते हैं। साइन का जो पीरियड है, अब पीरियड ये वैल्यू हमने देखी है कि जिस पे ये अपनी वैल्यू को क्या करता है, जो रिपीट करता है। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इसकी एक रियलिटी देखेंगे कि हमारे पास इसका पाई पीरियड क्यों नहीं हो सकता, हालांकि पाई पे भी इसकी वैल्यू जीरो आती है। इसका पीरियड 2 पाई होता है, इसका भी 2 पाई होता है, इसका क्या होता है 180 मतलब पाई होता है, इसका भी 2 पाई होता है, इसका भी 2 पाई, और इसका क्या होता है पाई। अब वो जो हमारे पास नॉन एग्जाम्पल हैं कि जो हमारे पास नॉन पीरियोडिक फंक्शन हैं उनके एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी, नॉन पीरियोडिक अगर मैं देखूं तो वो मेरे पास क्या होगा, अगर हम एक्स ले लें सिंपल लीनियर फंक्शन, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लें, इसी तरह कोई भी लेते जाए, एक्स क्यूब हो गया जो हमारे पास अल्जेब्रिक फंक्शन है वो इस तरह ई रेज टू द पावर एक्स हो गया, इसी तरह लॉग नेचुरल एक्स हो गया। अब जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स है वो किस किससे डिफाइन होता है, एक्सपोनेंशियल से डिफाइन हो सकता है, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे,
ये ऊपर वाले पीरियोडिक होंगे, ये क्या होंगे हमारे पास जो फंक्शन है इनको हम क्या नाम देंगे, नॉन पीरियोडिक फंक्शन ये हमारे पास होंगे। ओके, अब हम इनके ग्राफ बना के देखते हैं और आगे देखेंगे कि अगर हम एक क्वेश्चन आ जाए कि पीरियड फाइंड करें तो हम जो है किस तरह किसी भी क्वेश्चन में पीरियड उसका जो है हमारे पास वो फाइंड कर सकेंगे। उससे पहले एक और अगर हम देखें फैक्ट के, अगर मेरे पास 2 पाई पीरियड है ना तो मेरे पास 4 पाई उसके जो भी मल्टीपल होंगे 6 पाई ये तमाम के तमाम, अगर मैं एंड पे लिख दूँ एन पाई तो ये भी मेरे पास उसका क्या होगा पीरियड होगा। तो ओके ये है कि हमारे पास हो गया। अब हम साइन का जो ग्राफ है उसको देखते हैं कि हमारे पास जो साइन है वो क्या होगा पीरियडिक फंक्शन किस तरह उसको हम शो करेंगे। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या आ जाता है साइन ऑफ एक्स आ गया, इस पे आ जाए इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह होता है, ये हो गया हमारे पास। अब ये इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम क्या हो सकती है -1। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो सोचना होगा ये कि क्या इसका पीरियड ये वाला होगा, इतना हिस्सा हमारे पास ये क्या होता है पाई होता है और ये 2 पाई होता है। हमने पीछे साइन का पीरियड कितना लिखा था 2 पाई, हालांकि ये तो पाई पे इसका जवाब 0 आ रहा है लेकिन उसको हम प्रूफ अभी करते हैं। ये हमारे पास जो 2 पाई है वो इसका क्या होगा पीरियड होगा। कैसे होगा कि अगर मैं लिखूं कि साइन ऑफ जो मेरे पास एक्स है, डेफिनेशन जो हमने अप्लाई की थी वो क्या होगा साइन ऑफ एक्स प्लस क्या होगा पी होगा। इसको आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसको लिखूं ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ जो मेरे पास है एक्स प्लस क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। अगर मैं इस पहले हिस्से को देखूं जो कि हमारे पास पीरियड नहीं है, ये इतना हिस्सा पाई है ये 2 पाई है, इसको आगे फार्मूला लगा दें साइन का, हमें फार्मूला पता है क्या होगा साइन अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस पाई हो गया हमारे पास प्लस क्या हो गया कॉस एक्स हो गया और साइन क्या हो गया हमारे पास पाई। साइन पाई 0 होता है ये 0 हो गई टर्म, ये हमारे पास कॉस पाई -1 होता है तो माइनस साइन एक्स हो गया। अब देखें ये साइन एक्स, अब साइन एक्स तो साइन एक्स के इक्वल नहीं आया, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस हमने क्या किया था प्लस हमारे पास क्या था पाई था तो इज इक्वल टू, इसको तो एफ ऑफ एक्स आना चाहिए लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आया, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ जो पाई है वो साइन का जो है पीरियड नहीं है, तो इस साइन का पीरियड हमारे पास क्या होगा असल में ये होगा। देखें कि हमें डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स तो होगी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है। अब इसमें देखें इस पॉइंट पे अगर हम आएँ तो इस वाली वैल्यू में कुछ ऐड करें तो ये जवाब तो फंक्शन नेगेटिव में दे रहा है, इसका मतलब ये पीरियड इसका क्या है 2 पाई है। अगर इस तरह नहीं समझ आई तो इस तरह देख लें, इस पे 1 आ रहा है जवाब और दोबारा देखें 1 तो हमारे पास इसका साइन का पीरियड क्या हो गया 2 पाई हो गया। इसी तरह हम जो साइन का ग्राफ हमारे पास क्या था इस तरह कुछ था, इसको इधर से देख लें ये 1 आ रहा है तो दोबारा कितने फर्क के बाद आ रहा है 1 2 पाई के बाद आ रहा है, तो मतलब साइन का जो पीरियड है वो हमारे पास क्या हो गया 2 पाई हो गया। इसी तरह हम जो कॉस है उसका ग्राफ बना लेते हैं और टेन टेन का फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारे पास टेन कॉस का ग्राफ है ये इस तरह हमारे पास हो जाएगा। अब देखें ये 1 वैल्यू तो 1 दोबारा किस पे आ रही है 2 पाई, दोबारा रिपीट करें तो आ रही। इसी तरह हम अगर टेन एक्स का ग्राफ देखें तो वो हमारे पास उसका ग्राफ अगर है ये जो है 90 पे अनडिफाइन होता है तो इसके ये मैं 90 लिख देता हूँ इसका ये -90। अब एक बात याद रखने के ये जो प्लस पे पीरियड हम मालूम करें तो ये नेगेटिव पे भी होगा, मतलब हमारे पास ये जो अगर 180 पे रिपीट हो रहा है तो -180 पे रिपीट हो रहा है तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा। अब देखिए ये इसके एसिम्प्टोट्स होंगे, एसिम्प्टोट्स को सिंपली हम कह सकते हैं वो पॉइंट्स होंगे जिन पे ये फंक्शन क्या हो रहा है अनडिफाइन हो रहा है। तो इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊँ तो इस फॉर्म में इसका कुछ ग्राफ बनेगा टेन का, तो ये भी हमारे पास जो इसकी वैल्यू रिपीट होगी। और दूसरा ग्राफ अगर मैं ये इसका बनाऊँ तो इस फॉर्म में कुछ बनेगा ये हो गया, और इसको अगर मैं बनाऊं तो
तो ये मेरे पास इस फॉर्म में बनेगा। अब देखें इसकी वैल्यू कितने के बाद रिपीट हो रही है, 90 के बाद रिपीट हो रही है, 90 आ गया, 180 के बाद रिपीट हो, ये 0। तो ये देखें हमारे पास ये 90 था और ये हमारे पास क्या होगा, 180 होगा। थोड़ा ग्राफ में मिस्टेक हो गया, तो ये हमारे पास रिपीट होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास जो पीरियड अगर हमें फाइंड करना आ जाए कुछ मतलब क्वेश्चन में, तो हम उसका पीरियड जो है वो किस तरह फाइंड करेंगे और उसकी जो पीरियडिसिटी है वो हम किस तरह बताएंगे। कि अगर मेरे पास क्वेश्चन हो कि साइन 2x, साइन x का हमें पीरियड पता है कितना था हमारे पास, जो साइन x का उसका पीरियड हमारे पास था 2π। अगर साइन 2x आ जाए या मेरे पास अगर आ जाए साइन 3x, उसका पीरियड हमारे पास किस तरह होगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। वन नंबर पे अगर मैं देखूं कॉज ऑफ 3x मेरे पास हो, तो सिंपली इसको लिखेंगे कॉज ऑफ 3x प्लस कॉज का की पीरियड कितना था, 2π था। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज, अब इधर हमने क्या बनाना है, एक्स बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड, इसको ऐसे लिख लें, अगले स्टेप में कर लेते हैं, 2π हो गया। अब ये क्या होगा, कॉज ऑफ ये 3 मेरे पास आ गया, तो 3 शुरू में लिया तो ये एक्स, और ये 2/3 क्या हो गया, पाई हो गया। तो इसका पीरियड जो हमारे पास एक्स में, देखें हमारे पास पीरियड की डेफिनेशन थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, अगर हमारे पास हो एफ ऑफ एक्स प्लस पी, अब देखें एक्स के साथ क्या प्लस हो रही है, तो इसका पीरियड क्या होगा, 2π/3 होगा। इसी तरह मैं लेता हूँ अगर मेरे पास हो 2cos x ले लेता हूँ, इसका पीरियड हमारे पास सिंपली 2cos x प्लस क्या आ जाएगा, 2π। सिंपली इधर एक्स हमने बनाना है तो पहले ही बना हुआ था, तो इसका पीरियड क्या होगा हमारे पास, 2π हो जाएगा। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे पास हो के 3cos x/5, अब देखिए इसमें ओवर में आ गया, तो सिंपल कुछ भी नहीं करना हमने, cos x/5 है इसमें, इसका जो पीरियड है वो हमारे पास क्या था, 2π था, उसको ऐड हमने कर दिया, तो ये सिंपली हमारे पास क्या हो गया, कॉस, अब ये 1/5 है, तो हम 1/5 को ही अगर इस तरह ले लें कामन, तो एक्स हो गया हमारे पास प्लस, अभी 1/5 से इसको डिवाइड किया, कम लेने का यही मतलब होता है कि इसे डिवाइड करना, अब उससे डिवाइड किया तो हमारे पास ये जो 2π/1/5 है, तो 5 ऊपर आके मल्टीप्लाई कर दिया तो 10π हो गया। सिंपली इसका पीरियड हमारे पास क्या हो गया, 10π इज पीरियड ऑफ 3cos x/5 हो गया, ये हमारे पास इसका पीरियड हो गया। अब एक तो एग्जांपल आप करेंगे कि अगर मेरे पास हो cos x/6, सिंपली इसका पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 6, 12π इसका पीरियड हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं लिखूं कि आप 10 4x है, तो इसको तो देख लेते हैं क्या है मेरे पास, 10 क्या हो जाएगा, 4x+π, अब होगा 10 का पीरियड पाई है, तो ये हमारे पास 10, अब 4 शुरू में लिया तो x प्लस क्या हो गया मेरे पास, ये पाई ओवर क्या हो गया, पाई ओवर ये 4 हो जाएगा हमारे पास, तो इसका पीरियड हमारे पास क्या आ जाएगा, π/4। तो ये था हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और वो उसकी वैल्यू क्या हमारे पास होती है। अब ये हमने क्यों किया कि हमें जो फोरियर ट्रांसफार्म या फोरियर सीरीज़ हैं उनमें हमें इसकी हेल्प आउट ये करेगा।